हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देख लीजिए आप लोगों को मैं क्या दिखा रही, चंद्रमा दिखा रही थी। नाइट का व्यू है और आगे आप लोग बने रहिएगा, जाऊंगी मायके, वो भी व्लॉग है आगे। कपड़े ये जो है सब शादी के सब धुली हुई हूँ इन लोगों के, आधे ज़्यादा धुल के सूख गया था रख के, इसको भी सब रखना है मुझे। अरे देखिए महाराज का, ये मेरे जब शादी में पहने थे, अपने शादी में पहने थे, 14 साल हो गया ये कोट को। इस बार वो लेके आए हैं, मुझे नहीं पता था लेके आएंगे। मैं तो अभी कपड़े निकाल रही थी तो मैं देखी, अरे ये भी है, तो इनको अभी हो रहा है, सही हो रहा है ना, बीच में नहीं होता था, अभी तो कम हो गया उनका वेट तो इसलिए हो रहा है ना, तो बीच में नहीं हो रहा था, इसलिए शायद लेके आए हैं। अभी इधर देखिए मेरी साड़ियाँ, देखिए सब कैसे फैली हुई हैं, मेरा मैं सब उस बैग में से निकाल के सब फैलाई हुई हूँ। और यहाँ पर मैंने भिगोया है कपड़े, ये बंद करती है, देखिए बाकी सब साड़ियाँ इसमें हैं, आधे से ज़्यादा इसमें 3-4 साड़ियाँ हैं। अभी जा रही हूँ ना ये सब भी साड़ियाँ में भिगोने, ये सब देख रहे हैं, सब भिगोंगी दूसरे में, क्योंकि ऐसा है ना डर लग रहा है कलर छोड़ देगा ये वो, तो मुझे 2-3 टब में बाल्टी में सब भिगोना पड़ रहा है इसलिए। और ये मेरी जो है साड़ी आप लोग देख ही सकते हैं, मेरी फेवरेट साड़ी है ये वाली, जो कि मैंने शादी में पहना ही था, आप लोग देखे ही थे वीडियो में, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम हैवी भी नहीं है, एकदम हल्का, मतलब बहुत ही सुंदर। मुझे ये साड़ी में बहुत पहले से वेट कर रही थी, मुझे मिल भी गया है। तो चल रही, इसको तो मैं अभी नहीं धुलूंगी, सोच रही हूँ बाहर दे दूँ, क्या करूँ, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे इसका क्या करूँ, लेकिन इसको अभी नहीं धुलूंगी। इसका ब्लाउज़ देख लीजिए आप लोग, सब ऐसे ही जैसे ही तैसे पहन के वैसे ही मैं रख दी थी, बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता था वहाँ पर कि मैं अपना धुल सकूँ। ये देखिए इसका ब्लाउज, आप लोग तो पिछले वीडियो में सब देखे ही होंगे, तो यही सब है, चल रही है अभी सब। इतना सारा पेटीकोट है आप लोग देख सकते हैं, इधर सब ये जो देख रहे हैं ये सब बहुत सब पेटीकोट है मेरा, सब अभी चल रही है, साड़ियाँ फैली हुई हैं, धुलना है, बहुत ज़्यादा काम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पे इसे पीस लिया हुआ है, हल्का सा, मतलब ज़्यादा पीसा नहीं है, दरदरा ही है। यहाँ पर जीरा डाल दिया है, लहसुन है, मिर्ची है, लाल मिर्ची है तो ठीक है, नहीं तो आप हरा भी डाल सकते हैं। उतना बच गया है, ज़्यादा लग रहा था मैंने, चलो देखते हैं फिर जैसा रहेगा फ्रिज में रख देंगे। अब इसमें गेहूं का आटा डाल के मिक्स करके इसके हम बना लेंगे लिट्टी टाइप, मोटा मोटा जो रोटी होता है वैसे बना लेंगे। और आप ये ना सोचे कि हम बाहर हैं शहर में, आप व्यवस्था नहीं कुछ नहीं, हम नहीं बना खा सकते हैं, खा सकते हैं आप। दाल ऐसा है, इसको ले लीजिए, भिगा दीजिए, भिगा के रखकर दर दरा पीस के आप बना दीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं जुगाड़ से। और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, सेम टेस्ट आता है, सेम अच्छा लगता है, आप लोग भी ऐसा बनाकर खाइए, इंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं कि हम गाँव देहात देश में नहीं, हमें चीज़ नहीं मिल रही है, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, अपने हाथ में है, कैसे बनाना खाना है आप पे डिपेंड करता है। और आप अपना मनपसंद खाना पीना खा सकते हैं, अपने फैमिली को खिलाइए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बने रहिएगा। आगे भी आपके साथ बताऊंगी मैंने क्या क्या उसमें कैसे किया है। ओके, देखिए इसमें मैंने हल्का सा आटा डाला है गेहूं का, ताकि ये मतलब ऐसा गोला गोला बन जाए। और मैंने बना के तवा पे मैंने डाल दिया है, इसी तरह बना के इसे अच्छे से सेक लेंगे, उलट पलट लेंगे, आटा हल्का सा डालें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ताकि ऐसा हो, ऐसा ये बन दो तैयार हो जाए, नहीं तो ऐसे अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो देखिए ऐसे अच्छे से तैयार हो गया ना, तो इसे बनाने में हाथ से पानी की जो रोटी बोलते हैं उस तरह ये बनाना है इसे, तो इसी तरह बना लेंगे। आप लोग भी बनाइए और खाइए, बनाती हूँ फिर आप लोग देखिएगा कैसे किया मैंने। सो फ्रेंड्स, बन चुका है, हमने खाया भी और दो बच्चा है, तो इसी तरह बनता है और बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगता है। देख रहे हैं तो मेरा मन कर रहा है, मैं थोड़ा सा तोड़ के खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और देखिए कितना अच्छा बना है, इसका लहसुन वसुन मिर्ची सब दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लगता है जब मुंह में जाता है, तो एकदम अच्छा अच्छा लगता है, टेस्टी टेस्टी। आप लोग भी खाइए, बनाइए अपने घर पर चूने की लिट्टी। मम्मी को क्या हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, नहीं पीते। मम्मी नहीं पीती है, फिर कौन पीता है? मम्मी को थोड़ा पीने का, चीनू को, चीनू को पूरा, बंदर वो नहीं है। चीनू पूरा पूरा मुझे थोड़ा पिला दे, फिर मुझे दे थोड़ा सा। जी
झूठी का पिया नहीं, मैं सच्ची का पी, सच्ची का। हाँ सच्ची का पिया देते। हेलो बोल दो, बोलो हेलो, हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो, बोल मम्मी को दे दे, अभी मम्मी को दे। थैंक यू चीनी। मम्मी को सर्दी हो जाएगा, इनको नहीं होगा माँ बाप। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ मायके और आप लोग मेरी भतीजी से मिलिए। बहुत ही बोलती है और अच्छा लगता है। और उसके बाद हम जाएंगे कहीं घूमने के लिए, वो वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और कहाँ गए हम लोग, कहाँ नहीं गए, वो तो थोड़ा सा क्लिप इसमें ऐड कर रही हूँ। बाकी का और वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ। आप लोग ज़रूर अपना सपोर्ट दीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी न्यू आते हैं चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरी चूनी की लिट्टी कैसी लगी, ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय।